लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। प्लीज एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज मुझे फॉलो ना करें, वो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे घर तक, अच्छा नहीं लगता। और मुझसे एड्रेस पूछना आप कहाँ रहे, तो ये सब प्लीज ना करें, क्योंकि ये मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और मेरी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता कोई मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर तक जाए। कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार, हद भूल गए थे ना हम अपना, मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना, जानते ही होंगे ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली, हद भूल गए थे अपना। मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा था कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन हम अपना हद भूल गए थे। शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार, हद भूल गए थे ना हम अपना, मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना, बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहाँ से। जो लोग भी मुझसे मिलने आते हैं, प्लीज एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज मुझे फॉलो ना करें, वो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे घर तक, अच्छा नहीं लगता। और मुझसे एड्रेस पूछना आप कहाँ रहे, तो ये सब प्लीज ना करें, क्योंकि ये मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और मेरी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता कोई मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर तक जाए। और फालतू में यहाँ मतलब मुझसे नंबर के लिए भी ये सब, अगर मुझे आपको आईडी मैंने दे रखी है अपने इंस्टा हैंडल, आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं पर्सनल नंबर अपना किसी को भी नहीं दे सकती, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पर मुझे इंसिस्ट ना करें। और मेरे कॉलेज के बाहर भी वेट करना, फिर निकलते वहाँ पे क्वेश्चन, प्लीज़ आपको एक टाइमिंग है 5:30 to 9:30, आप यहाँ पे मुझे मिल सकते हो, मेरे से जो भी पूछना आप पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि मुझे घर तक फॉलो करें, मेरे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये मेरा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मैं आप किसी मतलब शेयर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है, तो प्लीज़ आप, आई थिंक आप सब समझ सकते हैं कि आप सभी मेरी फैमिली हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें।